press the bell icon on the YouTube app and never. उस समय की तथाकथित जो सरकारें थी या जो लोग रूल करते थे हमारे ऊपर, तो उनको ये लगा होगा कि इन लोगों के बारे में अभी सोचने की जरूरत नहीं है, अभी जो मेजोरिटी है उनके बारे में सोचते हैं, इनके बारे में बाद में सोचेंगे. तो मुसलमान बच्चियां उस वक्त डिप्राइव हो गई उस सुरक्षा से जो हमारी दूसरी हिंदू बहनों को मिली. इसलिए हम लोग हमेशा एक जैसे हिंदू कोर्ट बिल आया था, एक ऐसे हम लोग हमेशा ये आवाज उठाते हैं कि मुस्लिम बच्चियों की सुरक्षा के लिए भी इस तरह के कानून आए कि हमारी शादियां, हमारे तलाक, हमारे प्रॉपर्टी राइट्स, हमारे कॉन्ट्रैक्ट लॉज, ये सारी चीजें का एक स्पेसिफिकली कोडिफाइड कानून हो. आज तो कुछ भी कोडिफाइड ही नहीं है. इवन शरिया की जो दुहाई देते हैं रेडिकल मौलानास की, हम तो शरिया के हिसाब से चलेंगे, शरिया के हिसाब से चलेंगे, उनसे आप कभी ये तो पूछ लीजिए कि दिखा तो दीजिए शरिया. आप, हम तो पर्सनल लॉ के हिसाब से चलेंगे आप बोलते हैं, क्या वो पर्सनल लॉ कोडिफाइड है? आपके पास तो कुछ लिखा ही नहीं है. कोई भी चीज लॉ तभी कहलाती है जब वो कोडिफाइड हो. पहली कंडीशन होती है, इन ऑर्डर टू बी कॉल्ड अ लॉ इट शुड बी रिटन एंड इट शुड बी कोडिफाइड. पर्सनल लॉ, शरिया लॉ, मुस्लिम लॉ कोडिफाइड नहीं है तो वो लॉ कैसे हो सकती है? तो जब लॉ ही नहीं है तो आपने एक अराजकता फैला रखी है. आप शरिया के नाम पे कुछ भी कर देते हैं अपनी बच्चियों के साथ और उसको. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया भारत पे. आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे. तो आज की दमदार और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे भारत की दो बहादुर बेटियां, एक तरफ आप देखेंगे मशहूर पत्रकार अंबर जैदी जी को जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी सुबुही खान जो कि एक दबंग वकील हैं. तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा. तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए से लेटेस्ट दमदार और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें. तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे. जय हिंद जय भारत. लोग जिसके लिए हम लोग हमेशा से लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं को खासतौर से भारत में वो प्रोटेक्शन राजनीतिक कारणों से भी नहीं मिल पाया. हमारी हिंदू बहनों को 1955 में हिंदू कोड बिल आने के बाद जो सुरक्षा मिल गई थी, जो अधिकार मिल गए थे, कानून आ गए थे. हिंदू समाज में भी बहुत सारी चीजें होती थी बच्चियों के साथ, घूंघट प्रथा होती थी, बाल विवाह होता था, सती प्रथा होती थी, बहुत सारी चीजें होती थी. लेकिन जो हिंदू रिफॉर्मर्स थे उन्होंने उस पर काम किया, उन्होंने आवाजें उठाई, हिंदू कोड बिल आया, हिंदू बच्चियों की सुरक्षा सम्मान के लिए कानून बने. लेकिन मुस्लिम समाज को उस समय अलग रख दिया गया क्योंकि उस वक्त मुस्लिम्स का नंबर भी भारत में कम था. तो उस समय की तथाकथित जो सरकारें थी या जो लोग रूल करते थे हमारे ऊपर, तो उनको ये लगा होगा कि इन लोगों के बारे में भी सोचने की जरूरत नहीं है, अभी जो मेजोरिटी है उनके बारे में सोचते हैं, इनके बारे में बाद में सोचेंगे. तो मुसलमान बच्चियां उस वक्त डिप्राइव हो गई उस सुरक्षा से जो हमारी दूसरी हिंदू बहनों को मिली. इसलिए हम लोग हमेशा एक जैसे हिंदू कोर्ट बिल आया था, एक ऐसे हम लोग हमेशा ये आवाज उठाते हैं कि मुस्लिम बच्चियों की सुरक्षा के लिए भी इस तरह के कानून आए कि हमारी शादियां, हमारे तलाक, हमारे प्रॉपर्टी राइट्स, हमारे कॉन्ट्रैक्ट लॉज, ये सारी चीजें का एक स्पेसिफिकली कोडिफाइड कानून हो. आज तो कुछ भी कोडिफाइड ही नहीं है. इवन शरिया की जो दुहाई देते हैं रेडिकल मौलानास की, हम तो शरिया के हिसाब से चलेंगे, शरिया के हिसाब से चलेंगे, उनसे आप कभी ये तो पूछ लीजिए कि दिखा तो दीजिए शरिया. आप, हम तो पर्सनल लॉ के हिसाब से चलेंगे आप बोलते हैं, क्या वो पर्सनल लॉ कोडिफाइड है? आपके पास तो कुछ लिखा ही नहीं है. कोई भी चीज लॉ तभी कहलाती है जब वो कोडिफाइड हो. पहली कंडीशन होती है, इन ऑर्डर टू बी कॉल्ड अ लॉ इट शुड बी रिटन एंड इट शुड बी कोडिफाइड. पर्सनल लॉ, शरिया लॉ, मुस्लिम लॉ कोडिफाइड नहीं है तो वो लॉ कैसे हो सकती है? तो जब लॉ ही नहीं है तो आपने एक अराजकता फैला रखी है. आप शरिया के नाम पे कुछ भी कर देते हैं अपनी बच्चियों के साथ और उसको इस्लाम का नाम लेकर जस्टिफाई करते हैं और बच्ची बेचारी ना पुलिस स्टेशन जा सकती है एफआईआर कराने, ना कोर्ट कचहरी, जज, डेमोक्रेसी, अब सारी सरकारें, सब लोगों के हाथ बंधे खड़े रह जाते हैं और हम अपनी बच्चियों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि सब ये कहते हैं कि मुस्लिम्स आर गवर्न्ड बाय पर्सनल लॉज. कहाँ है वो पर्सनल लॉज? वी शुड आस्क एज अ कम्युनिटी ऑफ वुमनहुड, स्पेशली आपके जैसी, मेरे जैसी या और जो फीमेल एक्टिविस्ट्स काम कर रही हैं, जैसे जमीला जी का इंटरव्यू देखा, बहुत खुशी हुई. हम लोगों को एक कलेक्टिव आवाज उठानी चाहिए कि पर्सनल लॉज दिखा तो दो भाई, कहाँ है? कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है. Absolutely. लेकिन सुबुही, एक बात बड़ी हैरानी वाली ये है कि आज से नहीं, कई दशकों से हैदराबाद में ये चाइल्ड ब्राइड रैकेट्स चलाए जा रहे हैं और एक एक बच्ची की, जैसे कि जमीला जी ने भी उसमें बताया कि एक एक बच्चों की 17-17, 18-18 बार उनका निकाह कराया जाता, निकाह क्या कहें कि एक उनको एक तरह से बेचा जाता है. एब्सोल्युटली. और उनके माँ बाप ही बेचते हैं
पैसों की लालच में। सवाल यह है कि आखिर ये सारी चीजें किस तरह से चलती हैं, किस तरह से रैकेट्स काम करते हैं, सरकार की नजर नहीं जाती, स्टेट गवर्नमेंट्स चुप है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस पे कुछ नहीं कर पा रही है, आखिर ये कैसे होता है? अंबर देखिए, एक बड़ी ही दुखद स्थिति है। एक नारी होने के नाते आप भी समझ सकती हैं, मैं भी समझ सकती हूँ कि नारी का ये दुर्भाग्य है कि उसका अपमान, उसका इस्तेमाल और उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को, उसकी अस्मिता को हमेशा हमेशा से ताक पर रखा गया है। और उसको बचाने के लिए या तो भगवान, अवतार, पैगंबर, गुरुज आते हैं, या फिर वो खुद ही कोई स्टैंड लेती है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, तभी वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाती है। क्योंकि राजनीतिक दल तो मैं मानती हूँ कि फेल हो चुके हैं। आज के समय में मुझे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इतनी स्ट्रांग नजर नहीं आती जो बच्चियों को, किसी भी रिलीजन की, किसी भी जाति की बेटियों को सम्मान दिलाने के लिए कोई बहुत स्ट्रांग जो है एफर्ट्स ले पाए, कुछ बहुत ऐसे एक्शंस ले पाए जिनकी आज हमें जरूरत है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यूनिफॉर्म सिविल कोड, सुप्रीम कोर्ट के कितने जजमेंट्स मैं आपको बता दूंगी एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, मैं आपको भेज भी दूंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार गुहार लगाई है सरकारों से कि हमारे पास बहुत ज्यादा केसेस हैं, आप लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड लेकर आइए, क्योंकि बहुत सारी दूसरी कम्युनिटीज की बच्चियां जो पर्सनल लॉ से गवर्न हो रही हैं, उनके साथ बहुत सारे अपराध हो रहे हैं उनकी पर्सनल लॉ की आड़ में, तो उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। तो गवर्नमेंट शुड ब्रिंग कॉमन सिविल लॉज फॉर दोज गर्ल्स। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, मल्टीपल जजमेंट्स हैं। मैं, आप, हमारी जैसी बहुत सी ऐसी फीमेल एक्टिविस्ट सालों से कॉमन सिविल कोड की गुहार लगा रही हैं। हम लोगों ने राज जागरण अभियान में 12 से ज्यादा स्टेट्स में दौरा करके कॉमन सिविल कोड पे सोशो, पॉलिटिकल, लीगल, रिलीजियस सारे एस्पेक्ट्स को कवर करते हुए अवेकनिंग की है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी भी हमारी गवर्नमेंट हमें कॉमन सिविल कोड नहीं दे पाई है। मैं आपको कुछ उदाहरण बताती हूँ अंबर। ऐसा तो नहीं है कि मुसलमान भारत में पहले नहीं रहते थे, हमेशा से रहते थे और हमेशा से सुरक्षित भी रहते थे, लेकिन मुस्लिम बच्चियों के साथ ये अपराध होना शुरू कहाँ से हुआ, इस पे मैं आपको थोड़ा सा रोशनी डालना चाहती हूँ, क्योंकि वो जब तक आप जड़ में नहीं जाएंगे तब तक वो चीज सॉल्व नहीं हो पाएगी। क्या आपको पता है कि पर्सनल लॉस के नाम पे मुसलमान अलग से गवर्न होंगे, ये कब से शुरू हुआ है? ये स्टार्ट हुआ है 1937 में, शरिया एप्लीकेशन एक्ट। ये शरिया एप्लीकेशन एक्ट 1937 कौन लाया? ये शरिया एप्लीकेशन एक्ट 1937 कोई हमारे प्रॉफिट मोहम्मद तो लाए नहीं, शरिया एप्लीकेशन एक्ट कोई इस्लाम का हिस्सा तो है नहीं, शरिया एप्लीकेशन एक्ट ब्रिटिश और मुस्लिम लीग द्वारा लाई गई एक ऐसी एक्ट है जो भारत में विभाजन के बीज डालने के लिए बनाई गई कि भाई मुसलमानों को अलग रखो ताकि अपने आप को अलग माने, एंड डिवाइड एंड रूल हम इनको करते रहे, हमारी सत्ता चलती रहे। उसमें ब्रिटिश का भी फायदा था, उसमें मुस्लिम लीग का भी फायदा था, क्योंकि उनको टू नेशन थ्योरी को प्रमोट करना था, उनको पाकिस्तान बनाना था, उनको प्राइम मिनिस्टर बनना था, तो इस तरह की चीजें करने के लिए शरिया एप्लीकेशन एक्ट लाई गई। आज हम लोगों के पास सब कुछ इतना आसान है अगर हम लोग सिस्टमैटिकली रिसर्च करें। मैं अभी बोलती हूँ स्पेशली पढ़ी लिखी फीमेल एक्टिविस्ट को, आप जाइए गूगल पे टाइप करिए शरिया एप्लीकेशन एक्ट 1937, एक दो पन्नों की एक्ट है, उसमें कुछ डिटेलिंग नहीं है, उसमें सिर्फ ये लिखा है कि मुस्लिम्स विल बी गवर्न्ड बाय देयर पर्सनल लॉज। अब वो पर्सनल लॉज कहाँ है भाई, वो पर्सनल लॉज क्या है, वो कहीं नहीं लिखा है, कोई सेक्शन नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है, कोई डिटेलिंग नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ इतना लिखा है कि भाई जो देखना है करो भाई, आवाज़ करो, और भारत के प्रोटेक्शन के जो लॉज हैं वो मुसलमानों को नहीं मिलेंगे, बाद में देखी जाएगी। अब ये शरिया एप्लीकेशन एक्ट हम आज तक ढो रहे हैं, हमारी आज तक सरकारें एक ऐसी एक्ट जो टू नेशन थ्योरी को प्रमोट करने के लिए बनाई गई थी उसको हम आज तक स्क्रैप नहीं कर पाए हैं, हम उसके बर्डन को सर पे लेकर घूम रहे हैं शरिया एप्लीकेशन एक्ट के, और उस कारण मुसलमान बच्चियों के साथ क्या क्या अपराध नहीं हो रहा है अंबर। हम जो ये चाइल्ड मैरिज की बात कर रहे हैं, ये पॉक्सो एक्ट का वायलेशन है, हमारे देश में कितनी स्ट्रॉन्ग एक्ट है माइनर बच्चियों के साथ सेक्सुअल ऑफेंसेस, 20-20 साल की सजा है, लेकिन वो पॉक्सो एक्ट भारत की मुसलमान बच्चियों को प्रोटेक्ट नहीं करता है, बिकॉज दे विल कवर्ड बाय शरिया एप्लीकेशन एक्ट 1937। हमारे पास डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 है जो किसी भी महिला के साथ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सेक्सुअल, वर्बल, इकोनॉमिक अब्यूज
करने वाले के लिए सजा का प्रावधान है, क्वासी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती हैं, लेकिन वही डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 मुसलमान बेटियों को नहीं बचा पाता है, बिकॉज मुस्लिम बेटियां विल बी कवर्ड बाय शरिया एप्लीकेशन एक्ट 1937। मुस्लिम बच्ची के साथ ही हर तरह की वायलेंस होती है अंबर, पहले ट्रिपल तलाक हो जाया करता था, चलिए फॉर्चुनेटली भारत सरकार ने उसको बैन कर दिया, थोड़ी सी कमी आई है ट्रिपल तलाक होने में, लेकिन अभी भी होता है समाज में, क्योंकि वो बच्चियां मान लेती हैं कि हमें तलाक हो गया तो वो लड़ने नहीं पहुंच पाती हैं, एफआईआर लॉन्च। तो आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह अंबर जैदी और सुबह ही कर्ण का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आएगा, और इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे आपने देखा कि वकील सुबह ही कर्ण ने कैसे निकाह मिसयार को आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया और खूबसूरती से इसके बारे में बताया कि कैसे एक इंसान जब किसी बच्ची या किसी लड़की को खरीदता है और अपने साथ तब तक रखता है जब तक वो यात्रा कर रहा है, तो जैसे ही यात्रा खत्म वैसे ही उसका निकाह खत्म। वैल ये कौन सा कानून है और ये कौन सा धर्म है मुझे नहीं पता, पर इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।